वीरेंद्र, इस वक्त मैं कोई भी चीज गारंटी के साथ नहीं कह सकता। सर इसमें शान सर की जान को तो कोई खतरा नहीं है ना? अगर इन्फेक्शन हुआ तो जान का खतरा भी हो सकता है। हेलो जी, श्रीवास्तव जी, कहिए। जी भाभी जी, बात ऐसी है कि वो ईशान सर की तबीयत फिर से अचानक खराब हो गई है। क्या क्या हो गया उन्हें? पता नहीं, अचानक बुखार बढ़ गया, बीपी भी बढ़ गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि उनका लीवर फिर से इन्फेक्टेड हो गया है। ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? श्रीवास्तव जी, वहां पर डॉक्टर क्या कर रहे हैं? बताइए मुझे, क्या कर रहे हैं वो लोग? भाभी, डॉक्टर कुछ और टेस्ट कर रहे हैं उनके। अब तो रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा कि असलियत क्या है। आपके आसपास रणवीर तो नहीं है ना? नहीं, मैं लॉबी में हूँ। देखिए श्रीवास्तव जी, प्लीज रणवीर को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। आप तो जानते हैं, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। जी भाभी जी। और देखिए, मुझे पल पल की खबर देते रहिए कि वहां पर हो क्या रहा है। बाकी मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। जी जी भाभी। थैंक यू श्रीवास्तव जी। मामा, आज आप मुझे एक कप कॉफी पिला दीजिए, वो भी अपने हाथों से बनाकर। पता नहीं क्यों आज मेरा बहुत मन कर रहा है आपके हाथ की कॉफी पीने का। चल शैतान कहीं की। अरे अगर कॉफी पीने का मन है तो साफ साफ बोलना। अरे ऐसा कौन सा दिन है पुत्र जब तेरी मम्मा ने तुझे अपने हाथों से कॉफी ना पिलाई हो। अक्कु पुत्र, कॉफी पीने का मन कर रहा है तो मैं बना दूं? अरे नहीं मामी जी, कॉफी पीने का मन तो है पर मम्मा के हाथ की। क्यों, तेरी मामी अच्छी कॉफी नहीं बनाती? ऐसा नहीं है मामी जी, आपके हाथ की कॉफी तो रोज ही मिलेगी पीने के लिए, पर मम्मा के हाथ की कॉफी अब नसीब नहीं होगी। ऐसा क्यों कह रही है पुत्र? कहीं ऐसा तो नहीं तूने आगे पढ़ने का मन बना लिया हो और बाहर जाना चाहती है? अरे नहीं मम्मा, अब तो आपका ईशान पुत्र घर आ जाएगा, फिर आपके पास मेरे और रणबीर के लिए वक्त ही कहाँ होगा। अरे ऐसा क्यों कह रही है पुत्र? क्या मैंने कभी तुम तीनों में फर्क समझा है? क्या मैंने कभी अपना प्यार बांटा है? अरे पुत्र, मेरे लिए तुम तीनों एक जैसे हो। औलाद माँ बाप को बांट सकती है पर माँ बाप अपनी औलाद को कभी नहीं बांट सकते। रही बात ईशान की, तो ये सच है पुत्र कि माँ का दिल उसी औलाद के लिए तरसता है जो उसकी नजरों से दूर रहता है। हाँ अक्कु पुत्र, सुखी सही कह रही है, माँ बाप अपने प्यार और ममता कभी नहीं बांटते। एक बच्चे का जितना उन पर हक होता है ना, दूसरे बच्चे का भी उतना ही हक होता है। अरे बाप रे, बस बाबा बस, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, आप लोगों ने ना इसको इमोशनल कर दिया बिल्कुल। सुन, क्या हुआ भाभी? क्या हुआ, क्या है भाभी? क्या कुछ बोलो तो सही भाभी। हॉस्पिटल से अभी श्रीवास्तव जी का फोन आया। क्या सब ठीक तो है ना भाभी? ईशान भैया, रणबीर, वो क्या भाभी बोलो, सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। हॉस्पिटल से श्रीवास्तव जी का फोन आया था तो वो कह रहे हैं कि ईशान जी का ऑपरेशन के बाद उनको उनको बुखार चढ़ गया और बीपी भी हाई हो गया उनका। क्या
डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनके लीवर में इन्फेक्शन हो गया, इसलिए कुछ और टेस्ट भी करने पड़ेंगे। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो गया? भाभी, रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगी? क्या कह रहा है डॉक्टर? ये तो मुझे नहीं पता आपको, लेकिन मैंने श्रीवास्तव जी को कह दिया कि रणवीर को इस बारे में ना बताएं। भाभी, मुझे अभी के अभी हॉस्पिटल जाना होगा। वहां बाऊजी का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। पागल मत बना को, वहां बाऊजी हैं उनका ख्याल रखने के लिए। सोचा अगर हम ऐसे बाहर चले जाएंगे, मम्मी जी क्या सोचेंगी? और अगर उन्हें पता चल गया ना, तो वो एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगी। तो फिर हम क्या करें भाभी? यहाँ रहेंगे तो हर पल मेरा दिल बैठता जाएगा। आप तैयार रहिए, हम अभी के अभी हॉस्पिटल चलेंगे। अक्कू, एक बार फिर सोचो, अगर मम्मी जी को इस बारे में पता चल गया तो तू सोच ले कि अंजाम क्या होगा। भाभी, मैं अंजाम के डर से यहाँ तो नहीं बैठी रह सकती ना। आप तैयार हो जाइए, हम अभी के अभी हॉस्पिटल चलेंगे। अब मेरा मन यहाँ एक पल के लिए भी नहीं लगेगा। अच्छा अक्कू, मेरी बात सुन। देख, तुझे बाऊजी की चिंता हो रही है ना, तो तू पहले उनसे फोन पे बात कर ले। अगर तुझे फिर भी तसल्ली नहीं होगी तो हम हॉस्पिटल चलेंगे, ठीक है? मैं तुझे नंबर मिला के देती हूँ ना। थैंक यू। हेलो। हेलो बाऊजी। हाँ बेटा। कैसी तबीयत है ईशान भैया की? डॉक्टर, वो तबीयत उसका ना तो ब्लड प्रेशर कम हो रहा और ना ही बुखार कम हो रहा है। डॉक्टरों को शक है कि कहीं इन्फेक्शन ना हो। बाबूजी, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? बेटा वो बाबूजी, मुझे सब कुछ सच सच बताइए, प्लीज मुझसे कुछ मत छुपाइए। क्या बताऊं बेटा, वो डॉक्टर्स का कहना है कि ये इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर इन्फेक्शन दवाइयों से ठीक ना हुआ तो दोबारा से ऑपरेशन करना पड़ेगा, विच कैन बी फेटल। बाबूजी, आप हिम्मत रखिए, मैं आ रही हूँ हॉस्पिटल। नहीं बेटा नहीं, तुम यहाँ बताओ, तुम घर पे रहो, अपनी माँ का ख्याल रखो। तुम्हें पता है ना, अगर उसे पता चला तो कुछ भी हो सकता है बेटा। नहीं बाबूजी, अब घर में मेरा मन नहीं लग सकता, मैं आ रही हूं बस आपके पास। बेटा जिद नहीं करते, तुम भी अगर ये बात नहीं समझोगी तो कौन समझेगा मेरी बात? तुझे मेरी कसम है, मत आने वाला यहां। ठीक है बाबूजी, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। अक्कू बेटा, अभी ईशान के सारे टेस्ट हुए, उनकी रिपोर्ट आने दो। जैसे उनकी रिपोर्ट आएगी, अकॉर्डिंगली तुम यहां आने का प्रोग्राम बना, ठीक है? मैं तुम्हें बताऊंगा ना बेटा, प्लीज बेटा तुम घर पे रहो। हाँ ओके बाबूजी। ओके बेटा। बात है, आज तुम दोनों इतने चुप क्यों हो? कोई बात हो गई ननद भरजाई में? क्या हुआ, दोनों में तू मैं हो गई? बता तो दो है। अरे नंद भरजाई का रिश्ता ऐसा है, तू मैं होती रहती है। हा? वो भुलाने वाली कोई बात नहीं इसमें। नहीं मामी जी, ऐसी कोई बात नहीं।
और वैसे भी अक्कू मेरी ननद से ज्यादा सहेली है, मेरी बहन है, तो फिर हम दोनों में तू तू मैं क्यों होगी? तो फिर क्या बात है जो तुम दोनों इतनी देर से चुप बैठी हो? कोई ना कोई बात तो जरूर है जो तुम दोनों हमसे छुपा रही हो। मम्मा, हमारे बीच में क्या बात हो सकती है जो हम आपसे छुपाएंगे? आप चुपचाप खाना खाइए ना। अक्कू, ये क्या तरीका अपनी माँ से बात करने का? अरे मैंने पूछा ही तो है, नहीं बताना तो मत बता। I'm sorry, मामा। हम दोनों के बीच में क्या बात होगी? और अगर कोई बात है भी, ये हम दोनों ननंद भाभी का मसला है, हम दोनों आपस में सुलझा लेंगे। अक्कू पुत्र, वही तो, कोई मसला है यही तो पूछ रहे हैं ना? सुखी, इससे पहले कि कोई बात बढ़ जाए ना, बात को सुलझा लेते। नहीं मामी जी, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। ना 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 भरजाई जी, इन दोनों के बीच में कोई तो बात जरूर है जिसकी वजह से दोनों बहुत चुप हैं। अक्कू पुत्र, तू ही बता ना पुत्र, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम दोनों के बीच में अनबन है? हाँ अनबन है, इन्होंने ना मेरी भैंस खोल ली है और ये मुझे वो वापस नहीं दे रही है, और मैं अपनी भैंस हर हाल में वापस लेकर रहूंगी, समझ गए आप दोनों? अक्कू पुत्र, नहीं समझे, अब तुम बिना समझाए चली गई। सिमरन पुत्र, ये सब क्या हो रहा है? किसकी भैंस किसने खोल दी और तुम दोनों के बीच में ये हो क्या रहा है? आप लोग चिंता मत कीजिए, वो क्या है ना, अक्को भी थोड़ी सी नाराज है पर मैं उसे मना लूंगी। हाँ आप लोग फिक्र मत कीजिएगा। सुखी, ये अक्कू ने भैंस कब खरीदी और सिमरन ने उसकी भैंस कब खोल ली, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। परचाई जी, आपकी समझ में जितना आ रहा है ना, मेरी समझ में तो उतना भी नहीं आया। श्रीकांत, सिचुएशन कैन बी वर्स ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ कोर्स, सो वी कैन नॉट वेट फॉर द रिपोर्ट। पर डॉक्टर मूर्ति, मैंने डॉक्टर वासन से बात की है और उनके ओपिनियन के हिसाब से दोनों पॉसिबिलिटीज का 50-50% चांस है। सो इन दिस केस ऑल्सो Let's start the treatment. Okay, Dr. Murthy. Jaisa aapko theek lage. Achha ho ke aap log aa gaye. Hum log abhi Ishan ke treatment ki hi baat kar rahe the. Ishan ke case ke bare mein humne bahar ke ek specialist se bhi baat ki hai. और उनके ओपिनियन के हिसाब से ही अब हम आगे का ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, वो जो ईशान के टेस्ट हुए थे उनकी रिपोर्ट आने वाली थी, उसका क्या हुआ? वो रिपोर्ट आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा मिस्टर वीरेंद्र, लेकिन हम लोग अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, यू डोंट वरी। डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना?
मिस्टर बलदेव, मैं पहला भी बोला कि ये केस में 50-50 का चांस रहता है। एंड इट इज स्टिल 50-50। जैसे जैसे उसका बॉडी मेडिसिन को रेस्पॉन्ड करेगा वो ठीक होगा, खतरा कम हो जाएगा उसका। आप पेशेंस रखो। डॉक्टर साहब, हमारे लिए तो ऊपर माता रानी है, नीचे आप हैं। मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। वीरेंद्र, हौसला रखो। ये ठीक है कि ईशान की तबीयत अभी कुछ अच्छी नहीं, लेकिन उसका सारा ट्रीटमेंट और सारे प्रोसीजर्स हम लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। फिर जैसा डॉक्टर मूर्ति ने अभी कहा कि जैसे ही उसकी बॉडी दवाइयों को रिस्पॉन्ड करने लगेगी अपने आप खतरा कम हो जाएगा। बस इत्मीनान रखो, हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, हम रिपोर्ट आने का इंतजार करते हैं। चल वीरू। दिस आई वांट, सी दिस। This is the main problem. I understand. हाँ तो फिर क्या? ओके। फिर हमने, मैंने और शीना ने उसको ठीक कर लिया। चड्डा जी तो सरप्राइज हो गए थे। चड्डा जी की भी बड़ी याद आती है। बहुत ही हंसमुख जवाब। अरे श्रीवास्तव जी, आप यहाँ बैठे हैं। आपको तो फूफा जी के साथ होना चाहिए था। आपको पता नहीं कितने परेशान है वो। परेशान हो रहा है, लेकिन बलदेव जी को तो पता था कि मैं रणवीर सर के रूम में हूं। शायद ध्यान से उतर गया होगा। बोवी, बहू जी परेशान क्यों हो रहे हैं? कुछ नहीं बीजी, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। क्या निकल गया था मुंह से? क्या बात है बोवी? तू बैठ, बैठ यहां पर। बीजी मुझे तू बात बताए, बात क्या है? बाबूजी क्यों परेशान है? ईशान भैया ठीक तो है ना? बीजी ईशान भैया बिल्कुल ठीक है, आप उनकी चिंता मत करो, हम सब हैं ना उनके पास। तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया बोगी, बता क्या बात है? सर आप नाहक ही परेशान हो रहे हैं। दरअसल क्या हुआ होगा कि वीरेंद्र सर ने मुझे इतनी देर से देखा नहीं है, उन्हें बॉबी दिखा होगा तो उन्होंने उनसे पूछ लिया। अब तो आप बॉबी को जानते ही हैं, इसे लगा होगा कि सर परेशान। श्रीवास्तव जी मैं बॉबी को अच्छी तरह से जानता हूं, तभी कह रहा हूं ये मुझसे कुछ छिपा रहा है। मैं जानता हूं बॉबी, सर सच बता मुझे क्या बात है? अगर मुझे बाद में पता चला ना कि तूने मुझसे कुछ छिपाया है तो फिर देख। विजय मैं कैसे कहूंगा? अब विजय मुझे बताने के लिए मना किया है। सर जाने दीजिए, अगर नहीं बताना चाहता है तो नहीं। बॉबी पता क्या बात है? वीजी ईशान भैया की तबीयत और खराब हो गई है। और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए हैं, उसके बाद ही वो
वीर जी चलो डाउन, सब ठीक हो जाएगा। आपको सिमरन जी। मामा कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मामा हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल? और इस वक्त वो मम्मी जी एक्चुअली हम लोग घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे, हमने सोचा कि हॉस्पिटल चलते हैं। अच्छा तो एक काम करते मैं भी चलती हूँ तुम लोगों के साथ, यहाँ घर अकेले बैठने से तो अच्छा मैं तेरे पाऊची के पास बैठूंगी और मैं रणबीर और ईशान से भी मिल लूंगी। मामा आप अभी तो हॉस्पिटल से होके आए हो, अब आप वहां जाकर क्या करोगे? हम लोग तो अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे और फिर मामी जी भी तो घर पे है ना, वो अकेले रह जाएंगी। अकेली क्यों रह जाऊंगी? अरे तेरी मामी भी तेरे साथ जाएगी और तेरे साथ वापस आ जाएगी। मामी जी हम लोग मूवी देखने थोड़े ना जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। और वैसे भी जब हम वापस आ जाएंगे तो आप चले जाइएगा, है ना आपको? हाँ हाँ हाँ, जब हम लोग वापस आ जाएंगे तब आप लोग चले जाइएगा। एक बात बताओ, तुम लोग हम दोनों को अपने साथ लेकर क्यों नहीं जाना चाहते? हॉस्पिटल ही जा रहे हो या कहीं और? किसी बातें कर रही हैं मामा? अगर हमें कहीं और जाना होता तो हम आपको बताकर नहीं जाते। कभी ऐसा हुआ है कि हम आपसे पूछे भी ना कहीं गए हों? तो फिर हमें ले जाने में क्या प्रॉब्लम है? आपको पुत्र कहाँ खो गई है? तो पुत्र फिर हमें अपने साथ लेके जा रही है ना? देख पुत्र मुझे भी तेरे साथ जाना है। मामी जी हम तो बस वैसे ही राउंड काट कर आ रहे हैं, वहां रुकने थोड़े ना वाले हैं। तो हम भी राउंड राउंड काट आएंगे। वैसे भी जब से अस्पताल से आए हैं राउंड ही तो काट रहे हैं। अब तुम दोनों बहाने बनाना बंद करो, अगर हमें अपने साथ लेकर चलना है तो बोलो वरना हम अपने आप चले जाएंगे। तुम्हें तो झूठ भी नहीं बोलना आता, पकड़ी जाती हो तुम। और मुझे ये झूठे दिलासे देने बंद करो प्लीज। ईशान जी ये, ईशान जी वो, ईशान जी ने ये किया, ईशान जी ने वो किया, जानता हूं। शान भैया की तबीयत ठीक नहीं है, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं।